Welcome everyone. Today our topic is Central Heating System. This topic is very important in plumbing services. So let's start with the introduction. Central heating is a process by which heat travels around the home via a system of pipes or ducts coming from boiler, traveling around home, even under floor, and passing through radiators to provide warmth. इन मल्टीपल रूम्स और पार्ट्स ऑफ ए बिल्डिंग मीन सेंट्रल हीटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रेवल करती है घर के अंदर थ्रो ए सिस्टम ऑफ पाइप्स और डब्स ये पाइप्स और डग एक बॉयलर के साथ कनेक्ट होते हैं जब बॉयलर वाटर को हीट करता है एंड दैट हीटेड वाटर इज ट्रांसफर टू द डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट पार्टीशन ऑफ ए बिल्डिंग टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एयर मीन्स जब विंटर में जब ठंड होती है तब एयर को हीट करता है जिससे हमें वॉम्थ फील हो हमें गर्मी फील हो जैसे ए का एयर कंडीशनर का काम होता है गर्मी में टेम्परेचर को कम करना जिससे कि हमें ठंड महसूस हो इसी तरह से सेंट्रल हीटिंग का काम होता है जब सर्दियों में टेम्परेचर कूल हो उसको होट करना सराउंडिंग ये सिर्फ सराउंडिंग एयर के टेम्परेचर को हीट करता है जिससे हमें गर्मी महसूस होती है ओके इनको हम फ्लोर्स के अंडर भी प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि फ्लोर का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो सके। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ़ सेंट्रल हीटिंग सिस्टम द हीटिंग सिस्टम कंप्राइज ऑफ बॉयलर इट इज ए बॉयलर विच इज ए क्लोज वेसल इन विच फ्लूड इज हीटेड मीन्स इसके अंदर हम फ्लूड को हीट करते हैं फ्लूड बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वाटर वाटर को हीट करते हैं एंड हीटेड फ्लूड एग्जिट्स द बॉयलर फॉर यूज़ इन वेरियस प्रोसेस और हीटिंग एप्लीकेशंस यहाँ से हीटेड वाटर एग्जिट करता है और हीटेड वाटर को हम यूज़ करते हैं फॉर वेरियस हीटिंग एप्लीकेशंस एंड इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ हीटिंग सिस्टम इट मे बी फ्यूल्ड बाई आइर नेचुरल गैस और बाई एल पी जी गैस और इट मे बी यानी बायोमास लाइक कोल और वुड फायर ओके okay, तो इन फ्यूल्स की हेल्प से हम वाटर को हीट करते हैं एंड दैट हीटेड वाटर इज ट्रांसफर्ड थ्रू द पाइप्स। द नेक्स्ट कंपोनेंट इज रेडिएटर रेडिएटर्स आर ए हीट एक्सचेंजिंग डिवाइस मेड ऑफ स्टील एल्यूमिनियम और कॉपर इनसाइड ए रेडिएटर मीन्स रेडिएटर के इनसाइड में कॉपर पाइप्स इज देयर विच इज बेंट बैक एंड फोर्थ

the numbers are written here it allows us to decide the temperature of water pumped from boiler means हम यहाँ से set कर सकते हैं कि boiler से कितने degree Celsius पे जो temperature है water का वो आना चाहिए okay and it constantly monitors the temperature in the home and tells the boiler when to turn on or off ठीक है ये जो surrounding airs है उसके temperature को monitor करता है and suppose कि हमने यहाँ पे टेम्परेचर को सेट किया है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे तो अगर इसने सेंस कर लिया कि सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया है तो ये बॉयलर के पास एक मैसेज सेंड करता है कि इसको ऑफ होना है एंड व्हेन दिस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर इज बिलो द सेट टेम्परेचर देन इट अगेन सेंड ए मैसेज टू द बॉयलर दैट इट है ठीक है तो ये फिर से एयर के टेम्परेचर को राइज करने लगता है वेल प्लेसिंग ए थर्मोस्टेट इट शुड बी इन माइंड डेट इट शुड नॉट बी प्लेस नियर द रेडिएटर्स मीन्स जब भी हमें किसी रूम थर्मोस्टेट को प्लेस करना है तो रेडिएटर के पास हम इसको नहीं लगाएंगे इसको हमें लगाना चाहिए ओपन स्पेसिस में जहाँ पे एयर ट्रेवल करती हो जिस जगह पे। प्रोग्रामर एंड टाइमर The programmer offers different timings for weekend or for each day. Means ये जो प्रोग्रामर है इससे हम सेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेज के लिए टाइमिंग्स को कि सेंट्रल हीटिंग को कब स्टार्ट होना है कब ऑफ होना है तो एक टाइम यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मंडे के लिए हमें टेम्परेचर को सेट करना है कि मंडे को सुबह सात बजे से लेके और बारह बजे तक सेंट्रल हीटिंग सिस्टम ऑन रहना चाहिए तो हम यहाँ पे टाइम को सेट कर सकते हैं सपोज टेन एम से हमने रख दिया है ट्वेल्व पी एम तक का तो इस टाइम के बीच में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम ऑन रहेगा इस प्रोग्रामर के द्वारा एंड इसी तरह से हम सेट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट डेज लाइक सैटरडे के लिए हमने सेट कर दिया नाइन ए एम टू वन पी एम ठीक है तो सैटरडे को सेवन एम टू पी एम ये ऑटोमेटिकली सिस्टम ऑन रहेगा ठीक है एंड टाइमर अलाउज द अस टू सेट द टाइम वेन द सेंट्रल हीटिंग एंड द हॉट वाटर स्विच इज़ ऑन और ठीक है टाइमर हमें ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि डेली इसमें हम डेली सेट कर सकते हैं कि सेंट्रल हीटिंग सिस्टम और हॉट वाटर सिस्टम दोनों को कब ऑन या ऑफ़ होना है ठीक है सेंट्रल हीटिंग को किस टाइम ऑन या ऑफ़ होना है और हॉट वाटर को किस टाइम ऑन या ऑफ होना है ये हम टाइमर से सेट कर सकते हैं एक सेंट्रल हीटिंग सिस्टम दोनों चीज़ प्रोवाइड करता है हमें ये रूम के टेम्परेचर को इनक्रीज़ भी करता है और हमें हॉट वाटर भी प्रोवाइड करता है टी आर वी मीन्स थर्मोस्टैटिक रेडिएटर वॉल्व दिस इज़ द टी आर वी एंड इज फिटिड टू द इंडिविजअल रेडिएटर्स टू कंट्रोल द टेम्परेचर इन ईच हीटेड स्पेस मीन्स हर एक रेडिएटर के साथ हमें इस टी आर वी को फिट करना होता है सपोज दिस इज़ द रेडिएटर एंड इस रेडिएटर के साथ ये जो पाइप आ रही है हॉट वाटर की तो इसके इनलेट पर हम ये वॉल्व प्रोवाइड करते हैं ओके okay. एंड इस वोल्व का काम क्या होता है ये कनेक्टेड रहती है थर्मोस्टेट के साथ ओके जब थर्मोस्टेट में एक सेट टेम्परेचर पहुँच जाता है सराउंडिंग एयर का तब इसके पास मैसेज पहुँचता है और ये टी आर वी इस फ्लो को कंट्रोल करती है इस रेडिएटर के अंदर से ये बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में ये बेंट पाइप होती है और एक पाइप होती है बॉटम में तो ये जो टी आर वी होती है ये टू पोर्ट हो सकती है या फिर थ्री पोर्ट हो सकती है ओके थ्री पोर्ट मीन्स थ्री साइड कनेक्शन होंगे इसके एंड टू पोर्ट मीन्स इसके पास टू पोर्ट हैं कनेक्ट करने के लिए तो अगर थ्री पोर्ट हम टी आर बी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो एक पार्ट तो इस इनलेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा जो यहाँ से हॉट वाटर आ रहा है इसके साथ एंड सेकेंड पार्ट कनेक्ट रहेगा ये जो बॉटम पे पाइप है इसके साथ एंड थर्ड पार्ट कनेक्ट रहेगा इसके साथ ओके okay. तो अगर हमें यहाँ हीट की रिक्वायरमेंट है तब ये इस पाइप के अंदर फ्लो को रोक देती है एंड वाटर फ्लो करता है इन बैंड पाइप के थ्रू एंड देन यहाँ से आउटलेट में जाते हैं थ्रू टुआर्ड्स बॉयलर और टुआड्स द नेक्स्ट रेडिएटर एंड अगर टेम्परेचर सेट टेम्परेचर पे पहुँच जाता है तब ये वाली वॉल्व क्लोज हो जाती है एंड दिस वॉल्व ओपन हो जाती है एंड यहाँ से वाटर फ्लो कर जाता है आगे की तरफ हॉट वाटर सिलेंडर दिस इज द हॉट वाटर सिलेंडर इट अलाउज द सेंट्रल हीटिंग सिस्टम to store hot water and the central heating system can take heated water from it okay and this cent uh, this hot water cylinder is provided with an additional thermostat which is known as hot water cylinder thermostat this thermostat is fitted to the hot water cylinder and measures the temperature of water in it A thermostat is tank ke andar water ke temperature ko measure karti hai. and the boiler Only run to heat the hot water when the hot water timer is on and the temperature of the water in the cylinder is below thermostat setting. Means ये जो thermostat है ये measure करने के बाद boiler को message send करती है कि यहाँ पे heat required है या नहीं। जो थर्मोस्टेट सेटिंग temperature है, जितना टाइमर में हमने temperature सेट किया हुआ है, अगर उससे कम temperature है इसमें, तो ये हीट को यहाँ पे अलाउ करती है आने के लिए, ओके नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज मोटराइज वॉल्व ये एक ऑटोमेटिक वॉल्व है विच इज कनेक्टेड टू द आउटलेट ऑफ द बॉयलर मीन्स ये एक बॉयलर है इस बॉयलर के आउटलेट पे इस वॉल्व को प्रोवाइड करते हैं एंड दिस पाइप इज फर्दर कनेक्टेड टू द हॉट वाटर सिलेंडर इन द सेंट्रल हीटिंग सिस्टम ओके एंड द फंक्शन ऑफ दिस मोटराइज वॉल्व इज दैट द बॉयलर हीटेड वाटर ओनली फ्लोज टू आइदर द हॉट वाटर सिलेंडर और the central हीटिंग सिस्टम नेवर बोथ at the सेम टाइम ओके इट means कि ये जो वॉल्व है ये फ्लो को कंट्रोल करती है जो ब्रॉयलर से वाटर हीट हुआ है वो या तो जाएगा हॉट वाटर सिलेंडर में या फिर वो जाएगा सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में एक टाइम पे दोनों साइड पे एक साथ फ्लो नहीं करता हॉट वाटर सिलेंडर नॉर्मली हैज प्रायोरिटी हॉट वाटर सिलेंडर के पास प्रायोरिटी होती है कि अगर इसका टेम्परेचर लो है तो मोटराइज वॉल पहले यहाँ पे हीटेड वाटर को भेजेगी इसके टेम्परेचर को राइज करने के बाद करने के लिए एंड आफ्टर दैट द हीटेड वाटर इज सेंट टू द सेंट्रल हीटिंग सिस्टम नेक्स्ट इज पंप पंप्स आर फाउंड इनसाइड बॉयलर एंड आर यूज टू सर्कुलेट द वाटर हीटेड बाय बॉयलर जो बॉयलर ने वाटर को हीट किया है उस हीटेड वाटर को ये आगे पंप करता है द नेक्स्ट वन इज द एक्सपेंशन वेसल दिस इज द एक्सपेंशन वेसल एंड इज प्रोवाइडेड इन सील्ड सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंट्रल हीटिंग सिस्टम देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंट्रल हीटिंग सिस्टम फर्स्ट वन इज कन्वेंशनल हीटिंग सिस्टम देन सेकेंड इज सील्ड हीटिंग सिस्टम एंड थर्ड इज कॉम्बी बॉयलर हीटिंग सिस्टम

स्पेस uh, यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया इस सिस्टम में देन द दिस सिस्टम में बर्स्ट तब ये सिस्टम फट सकते हैं ओके सो टू अकोमोडेट दिस एक्स्ट्रा फोर परसेंट वाटर वी हैव प्रोवाइडेड दिस एक्सपेंशन वेसल सो दिस फोर परसेंट वाटर विल बी स्टोर्ड, इन दिस एक्सपेंशन वेसल एंड इट विल प्रिवेंट द बर्स्टिंग ऑफ द पाइप और द नेटवर्क नेक्स्ट इज द फीड टैंक This is feed tank provided at the roof of the building or in the loft. It gives a uh, supply of water to the boiler when required. Means to uh, means supply say cold water. That cold water is stored in these tanks. The next is working of central heating system. First of all, the fuel supply is given to the central heating system. The fuel may be it may be either a uh, biomass like uh, coal or wood, or the fuel may be a natural gas, LPG gas, or oil. Suppose we have given gas supply to the system, the next step is the burning of fuel. The burning of fuel takes place in this boiler. The boiler burns the uh, fuel to make hot jets. Hot jets are formed here, and these jets transfer the heat to the water.

थ्रो ईच रेडिएटर्स एंट्रिंग एट वन एंड एंड एग्जिट्स एट द अदर एंड ठीक है रेडिएटर के एक एंड से ये एंटर करता है और दूसरे एंड पे एग्जिट करता है इसको लिव करता है आफ्टर इट इज़ पास थ्रो ऑल रेडिएटर्स द वाटर हैज़ कूल डाउन सिग्निफिकेंटली मीन्स जब इन सब रेडिएटर्स से पास होने के बाद वाटर अब यहाँ पहुँच गया तो इसका टेम्परेचर जो है वाटर का वो कम हो जाता है ठीक है तो अगेन ये हीट को पिक करने के लिए बॉयलर में जाता है यहां से हीट को पिकअप करता है और फिर ये जाता है यहाँ पे इसमें अगेन सर्कुलेशन प्रोसेस में जाता है द नेक्स्ट इज पंप दिस इज एन अनदर पम्प विच इज पावरफुल इनफ टू पुश द वाटर अप स्टेयर थ्रो द रेडिएटर मींस ये एक एडिशनल पम्प हमने प्रोवाइड किया है हीटेड uh, वाटर को ऊपर अगर हमें फ्लो करवाना है इसके लिए क्योंकि यहाँ पे वाटर ड्यू टू ग्रेविटी तो फ्लो नहीं कर सकता तो ऊपर वाले फ्लोर्स पे इसको पहुंचाने के लिए हमने यहाँ पे एक पंप प्रोवाइड किया है द नेक्स्ट इज थर्मोस्टेट द थर्मोस्टेट इज माउंटेड इन द रूम एंड मोनिटर्स द टेम्परेचर एंड स्विच इज द बॉयलर ऑफ वेन इट इज हॉट इनफ एंड स्विचिंग द बॉयलर ऑन अगेन वैन रूम गेट्स टू कोल्ड मीन्स थर्मोस्टेट का काम क्या होता है uh, ये सराउंडिंग एयर के टेम्परेचर को मेजर करता है और बॉयलर को ऑन या ऑफ करता है द नेक्स्ट इज फ्लू मीन्स जो वेस्ट गैसेज यहाँ से प्रोड्यूस होंगी बॉयलर से वो गैस एक स्मोक uh, स्टैक की हेल्प से स्मोक स्टैक इज कोल्ड एज फ्लू एक पाइप की तरह का होता है उस पाइप से ये जो स्मोक है ये एयर में डिस्पर्स हो जाता है सो दिस वाज द वर्किंग ऑफ द सेंट्रल हीटिंग सिस्टम एंड द टाइप्स ऑफ दिस सेंट्रल हीटिंग सिस्टम दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू